नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, कांग्रेस सरकार में मंत्री जैसे जवाबदेह पद पर रह चुके एक विधायक ने आदिवासियों को मूलवासी बताते हुए उनके हिंदू होने पर ही प्रश्न अंकित कर दिया है। बता दें कि माननीय ने संस्कृति संचालनालय द्वारा वनवासी क्षेत्रों में प्रचलित रामलीला को अनावश्यक बता दिया। उनका तर्क है कि जिस वर्ग को वनवासी बताया जा रहा है, सही मायने में वह वनवासी न होकर मूलवासी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इस बयान के बाद ही यही कहा जा सकता है कि केवल राजनीतिक लाभ हानि के मद्देनजर राष्ट्र और समाज को तोड़ने वाले ऐसे कथन निंदा की योग्य है। कौन नहीं जानता कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास इन्हीं हिंदू बांधवों के लिए बिताया था। इन्हीं वंचितों के सहयोग से श्री राम ने अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। ऐसे में सवाल पैदा ये होता है कि जो श्री राम के सहयोगी रहे हैं, यदि वही रामलीला देखने के पात्र नहीं है तो फिर इसका पात्र रही कौन जाता है। वैसे ही एक बात साफ है, जिस प्रकार चीन का नागरिक चीनी, जापान का जापानी, तो फिर हिंदुस्तान का नागरिक हिंदू क्यों नहीं है। और यदि जाति पंथ संप्रदाय की बात की जाए तो यह भी असत्य नहीं है कि हिंदू के अलावा भारत में जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी के पूर्वज पूर्व में भी मूल रूप से हिंदू ही थे। अंत में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय संप्रभुता जैसे गंभीर मसले पर भी राजनीतिक लाभ हानि के मद्देनजर देश तोड़क टिप्पणी करने वाले दुर्वर्दों को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे। नमस्कार, खबर सवन जगत में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर हम जन सरोकार से संबंधित इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे विचारक चिंतक श्री अशोक त्रिपाठी जी के साथ। अशोक जी का कार्यक्रम में स्वागत है। और अशोक जी से मेरा सवाल ये है कि आज जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे विधायक ने बयान जारी किया है कि आदिवासी मूलतः मूलवासी है, वो हिंदू से उसका कोई लेना देना नहीं है, अतः मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग जो रामलीला करके उन्हें दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहा है वह अनावश्यक प्रतीत होता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि जोड़ तोड़ जुगाड़ से अल्प बुद्धि लोग राजनीति में ऊंचे स्थान तक पहुंच जाते हैं। यह विषय कांग्रेस या भाजपा का नहीं है। बिल्कुल मूलवासी वही है, वनवासी कहो, आदिवासी कहो, मूलवासी कहो, वो शायद ये भूल गए कि इस देश का नाम हिंदुस्तान है। जाति धर्म पंथ संप्रदाय अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, सभी ने उपासना पद्धतियां अपनाई हैं। इसके पहले मूल में वो सभी हिंदू रहे हैं और उन्होंने कभी नहीं कहा वो हिंदू नहीं है। कोई जैन नहीं कहता कि हम हिंदू नहीं है। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों में, राष्ट्रवादी संगठनों में अनेकों जैन जैसे संघ है, हिंदुत्व की बात करता है, वो उसमें प्रचारक और अखिल भारतीय स्तर पर है, बौद्ध है, सिख है। और समझदार जो देखिए, इस्लामिक पद्धति पूजा पंथ में बहुत भेद हो सकता है, लेकिन आप ये कहेंगे पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू भी पाकिस्तानी है, बांग्लादेश में रहने वाला बांग्लादेशी है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। अब दूसरा, इनको ये भी समझ नहीं है कि हम चलो उनको ना भी माने, लेकिन हमारे आदि अनंत काल से हमारे आराध्य भगवान श्री राम, उनको तो मानते हैं ना, भगवान श्री राम के साथ अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई जो लड़ी गई उसमें वही मूलवासी थे सब, सुग्रीव, उनकी सेना, जटायु, हनुमान जी, ये हमारे सब आराध्य हैं। तो दलित शोषित पीड़ित मूलवासियों के समूह को लेकर उन्होंने धर्म युद्ध जीता है। ये इस तरह की बात करने वाले लोग विध्वंसक हैं, राष्ट्रघाती हैं। सामाजिक समरसता मूलवासी के बगैर हो ही नहीं सकती। और मुझे, मैं किसी दल विशेष की प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन वोटों की राजनीति की दृष्टि से कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, लेकिन वनवासी आदिवासियों में रामलीला का आयोजन करके उनके स्वाभिमान को बढ़ाना यह एक अच्छी स्थिति है। इस उद्देश्य से जो किया जा रहा है वो अच्छा है, और यदि उद्देश्य नहीं भी है तो सिर्फ वोटों की राजनीति के पीछे हमें इस पे इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करना, राष्ट्रघाती टिप्पणियां करना, अरे पार्टी और दल से बड़ा देश है, देश को तो मत तोड़िए, इस तरह की विसंगत बात मत करिए। धन्यवाद।
भोपाल से खबर समय जगत के लिए सुजीत रघुवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।